आपको बताएं कि केपी के असम्बली की हंगामा राय इस वक्त जारी है। मनाजिर आप देख सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के ये मनाजिर है जहां पर शदीद नारेबाजी की जा रही है, शोर शराबा अपने उरूज पर है और आप केपी के असम्बली के ये मनाजिर इस वक्त मुलाहजा कर सकते हैं कि किस कदर हंगामा राय जारी है और एक मछली मंडी का मंजर देखने में आ रहा है। फिदा अदील हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे, हमारे नुमाइंदे उनसे जानेंगे, फिदा हंगामा आराई की वजह क्या है? जी एहतसाब कमीशन बिल की मंजूरी का मरहला था, इस दौरान जो जियाउल्लाह अफरीदी हैं जो पीटीआई के एमपीए हैं और उन्होंने एक तरमीम पेश की कि जो 5 कमिश्नर्स हैं एहतसाब कमीशन के उनको हटाया जाए और ये तरमीम जो है ये मंजूर नहीं की ऐवान ने और उसके बाद ये तरमीम मंजूर कर ली गई कि डीजी एहतसाब कमीशन की तकर्री जो है वो हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी करेगी। इसी तरमीम की मंजूरी के दौरान ये शोर शराबा हुआ है और अपोजिशन के तमाम अराकीन जो हैं बशमूले पीटीआई के एमपीए जियाउल्लाह अफरीदी वो इस वक्त स्पीकर के डाइस का घेराव किए हुए हैं और ऐवान इस वक्त मछली बाजार का मंजर पेश कर रहा है। इब्तिदा हम फुटेज में देख सकते हैं कि खवातीन भी सरापा एहतजाज हैं। जी बिल्कुल, खवातीन जो हैं अपोजिशन से जिनका ताल्लुक है वो भी इस एहतजाज में शामिल हैं और उनका भी ये मुतालबा है कि इस मंजूरी के अमल में उनको पूरा मौका नहीं दिया गया और जिस तरीके से ये तरमीम मंजूर की गई बाकायदा स्पीकर की जानिब से बार बार कहा गया कि 2 महीने से ये बिल जो था आपके टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था जिसमें आप अपनी मर्जी की तरमीम ला सकते थे लेकिन इस दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू कर दिया और स्पीकर के डाइस के सामने इस वक्त अपोजिशन के तमाम अराकीन बशमूल खवातीन अरकान इस वक्त जमा हैं और ऐवान में इस वक्त भी जो है शोर शराबे का जो सिलसिला है वो जारी है। ठीक, तो केपी के असेंबली की हंगामा राय इस वक्त जारी है, स्पीकर के डाइस का घेराव किया गया है। तो शोर शराबा हंगामा आराई नारेबाजी ये है केपी के असेंबली के मनाजिर। आप देख सकते हैं कि ओपोजिशन ने स्पीकर के दाइस का घेराव किया है और इस वक्त शदीद नारेबाजी जारी है और खवातीन भी पेश नजर आ रही हैं। तो आपको बताएं कि केपी के असेंबली में हंगामा आराई इस वक्त जारी है और फिदा अदील हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे। फिदा, केपी के असेंबली के मनासिर देख के जो पंजाब कौमी असेंबली है वो और केपी के असेंबली एक जैसे ही नज़र आ रही है। आज हमने देखा कि कौमी असेंबली में भी यही मनासिर देखने को मिले और केपी के असेंबली में भी यही मनासिर है। जी बिल्कुल, और ऐसे मनाजर हैं कि इसमें मजाक सा बना दिया है, एक खातून ने बेताकी उठाई हुई है तो दूसरी खातून जो अपोजिशन से ताल्लुक रखती हैं उनके हाथ में भी लाठी दबाई गई है और इस वक्त भी नारों का तबादला जो है इस वक्त जारी है। अपोजिशन अराकीन जो इस वक्त स्पीकर डाइस के सामने खड़े हैं, दूसरी जानब जो हुकूमती अराकीन हैं वो भी खड़े हैं और वजीर आला परवेज खटक जो है इस वक्त खामोशी से अपनी नशस्त पर बैठ कर तमाशा कर रहे हैं। तो वजीर आला परवेज खटक इस वक्त भी अपनी नशस्त से उठ गए हैं। शौकत यूसुफजई जो है वो भरपूर नाराबाजी कर रहे हैं। तमाम वज़रा जो हैं और हुकूमती अराकीन जो हैं वो इस वक्त नाराबाजी कर रहे हैं और जो हुकूमती अराकीन हैं वो भी इस सारे अमल में हिस्सा डाल रहे हैं। तमाम अपोजिशन अराकीन इस वक्त सामने खड़े हैं हुकूमती अराकीन के और इस वक्त नारों का तबादला जारी है। नारों का तबादला जारी है और मनाजिर आप देख सकते हैं कि केपी के असेंबली में हंगामा आराई इस वक्त जारी है, शोर शराबा और नारेबाजी की जा रही है और शोर शराबा अपने अरूज पर है। स्पीकर के दाइस का घेराव किया गया और जो है वो एहतसाब कमीशन बिल की मंजूरी का ये मामला है जिस पर एहतजाज किया जा रहा है और बदमजगी का शिकार हो चुका है असेंबली का इजलास और इस वक्त हंगामा आराई जारी है और आप देख सकते हैं कि खवातीन भी इस जो हंगामा आराई है उसमें पेश है। फिदा अदील हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और हमें इससे मुतालिक अपडेट कर रहे थे। फिदा बहुत शुक्रिया आपका।